नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस फ्रेश वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेशनल ब्लॉगिंग पार्ट वन। जो हमने इंटरनेशनल ब्लॉगिंग वन मंथ पहले स्टार्ट किया था, उसमें हमने सक्सेसफुली वन मंथ में इजोई प्लस एडसेंस प्लस गूगल न्यूज अप्रूव कराया। उसी की सीरीज जो है ये फर्स्ट पार्ट है। इस पार्ट में हम बात करेंगे इंटरनेशनल ब्लॉगिंग होता क्या है, इसको कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है इंटरनेशनल ब्लॉगिंग, पहले आपको समझना पड़ेगा कि ब्लॉगिंग होता क्या है। ब्लॉगिंग इन द सेंस कि आप कोई भी कंटेंट अपना लिखते हैं, आप कंटेंट क्रिएटर हैं, किसी चीज़ के बारे में लिखते हैं जिसे लोग आकर के पढ़ते हैं, उसको हम कहते हैं ब्लॉगिंग। उस ब्लॉगिंग से आप थोड़ी बहुत पैसे भी अर्न करते हैं। फ्रेंड्स, ये तो हमने बात कर ली ब्लॉगिंग क्या होता है। इसके अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल ब्लॉगिंग। इंटरनेशनल ब्लॉगिंग फ्रेंड्स, ये इंटरनेशनल ब्लॉगिंग ये होता है कि आप किसी कंट्री में, जैसे आप इंडिया में हैं, इंडिया में बैठे बैठे आपका जो डोमेन है वो रैंक करेगा किसी अनदर कंट्री में, जैसे यूनाइटेड स्टेट हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इटली हो गया, या फिर किसी भी कंट्री के लिए आप टारगेट कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं इंटरनेशनल ब्लॉगिंग। इंटरनेशनल ब्लॉगिंग इतना इम्पोर्टेंट और इतना पॉपुलर क्यों है, इसके बारे में बात करते हैं। इंटरनेशनल ब्लॉगिंग पॉपुलर इसलिए है क्योंकि ये अलाउ करता है पीपल को अपने कंटेंट को एक दूसरे से शेयर करने के लिए, और इसे मेंटेन कर सकते हो फ्रिक्वेंसली। जैसे आप इंडिया में बैठे, आपका इंडिया का कल्चर कोई और है, यूएस और यूके का वहाँ का कल्चर कोई और है। जो होगा अगर आप यूएस के कल्चर के बारे में थोड़ा बहुत भी लिखते हैं अपने साइट पे, देन उसकी प्रोबेबिलिटी होगी कि वो यूएस में रैंक करें। अगर आप कैनेडा के कल्चर के बारे में लिखते हैं तो ये प्रोबेबिलिटी होगी कि वो कैनेडा में रैंक करें। और फ्रेंड्स, ये जो है हमें फ्रीडम देता है अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे आपने इंडिया में किसी, आप यूनाइटेड स्टेट में बताना चाहते हैं कि ताजमहल जो है इंडिया में ये है, ताजमहल की ये खासियत है, तो आप उसके लिए भी इंटरनेशनल ब्लॉगिंग कर सकते हैं। इंटरनेशनल ब्लॉगिंग करने के लिए कौन कौन सी साइट होती है और कौन कौन से प्लेटफॉर्म है, इसकी बात करते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इंटरनेशनल ब्लॉगिंग टारगेट करने के लिए, तो हमारे पास सिर्फ दो ही प्लेटफॉर्म आते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है पेड प्लेटफॉर्म है। फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है वर्डप्रेस एक ओपन सोर्स है, इसे डाउनलोड करके हम अपने सर्वर पे इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन हमें अपनी साइट को होस्ट करने के लिए एक होस्टिंग बाय करना पड़ता है जो एक पेड पड़ जाता है हमें। उसके साथ साथ हमें एक डोमेन भी बाय करना पड़ता है। फ्रेंड्स, और बात करें हम फ्री हमारे पास क्या ऑप्शन है, फ्री के लिए हम फ्रेंड देख सकते हैं हमारे पास गूगल का जो खुद का ही प्लेटफॉर्म है ब्लॉगर्स, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये आपको डोमेन भी देता है, ब्लॉगस्पॉट पे डोमेन भी आपको मिल जाएगा, और यहाँ से आपको होस्टिंग भी अच्छी खासी होस्टिंग मिल जाती है। सो फ्रेंड्स, अगर आप फ्री में करना चाहते हैं तो ब्लॉगर्स पे जा सकते हैं, अगर आपके पास थोड़ा सा भी बजट है तो आप वर्डप्रेस पे जा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल ब्लॉगिंग बात की। अगले वीडियो में हम बात करें कि आप इंटरनेशनल ब्लॉगिंग के लिए अपना डोमेन कैसे सेलेक्ट करें। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।